तो दोस्तों, कई बार आपको भी अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने को या फिर सुनने को मिलते होंगे, जैसे कि दम है तो वहाँ जाकर दिखाओ, या फिर दम है तो ये करके दिखाओ, या फिर दम है तो हाथ लगा कर दिखाओ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो ऐप है वो आ चुका है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप में मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है जो कि इंग्लिश ग्रामर में आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं, यानी कि स्पोकन इंग्लिश ग्रामर का खासकर इसमें जो है ख्याल रखा गया है, और इसमें वोकेबलरी और बुक्स उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, किसी के बारे में यदि हम ऐसे बोलते हैं कि मतलब अगर दम है तो ये करके दिखाओ, तो यहाँ पर जो ये दम है इसका मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर अगर एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर अगर शक्ति है, पावर है, तो तुम ये करके दिखाओ। अब ये करके दिखाओ, यहाँ पर जो दिखाओ है इसका मतलब होता है कि शो करना, यानी कि दिखाकर शो करना। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम जो है एबिलिटी या फिर हम पावर का यूज कर सकते हैं, और वहाँ पर दिखाने के लिए शो का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, दम है तो वहाँ जाकर दिखाओ। अब यहाँ पर जो है इसकी इंग्लिश बनेगी इफ़ यू हैव पावर, या फिर इफ़ यू हैव एबिलिटी, तो उसके बाद हम बोलेंगे सो बाई गोइंग देयर, या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं सो बाई गोइंग देयर इफ़ यू हैव पावर, या फिर इफ़ यू हैव एबिलिटी। इन दोनों तरह से आप इसे बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दम है तो हाथ लगा कर दिखाओ, तो इसे आप बोल सकते हैं सो बाई टचिंग इफ़ यू हैव एबिलिटी, या फिर इफ़ यू हैव पावर। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूँ, दम है तो पूछ कर दिखाओ। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार इंस्टॉल जरूर कीजिए और चेक कीजिए। थैंक यू।